नमस्कार, मैं हूं दिबांजलि मोइत्रा। बस ने मजदूरों के लिए तो कोई रास्ता तय नहीं किया, लेकिन प्रियंका गांधी की बस ने यूपी की सियासत को नया रास्ता दिखा दिया है। पहले तो ये रास्ता दो तरफा ही था, जिसमें आमने सामने कांग्रेस और बीजेपी थी, लेकिन अब तिराहे पर मायावती ने कांग्रेस को खूब सुनाया है। मायावती ने क्या कहा ये हम आपको बताएंगे, उससे पहले थोड़ा सियासी इतिहास बता देते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से 1000 बसें मजदूरों के लिए चलाने की परमिशन मांगी। परमिशन योगी सरकार ने दे दी, लेकिन बस का नंबर और क्लियरेंस मांगा। कांग्रेस ने जो लिस्ट दी उसमें दो पहिया वाहन और छोटे गाड़ियों के भी नंबर थे। इतना ही नहीं, कई गाड़ियों का फिटनेस सर्टिफिकेट भी नहीं था, जिसके बाद गाड़ियां बेरंग वापस लौट गई। बात यही खत्म हो जाती, लेकिन अब राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार को 36.36 लाख का बिल थमा दिया, वो भी कोटा से करीब 12,000 छात्र छात्राओं को लाने का। राजस्थान सरकार के दिए इस बिल से बीएसपी सुप्रीमो मायावती को काफी गुस्सा आया। मायावती ने ट्वीट कर लिखा, राजस्थान की कांग्रेसी सरकार द्वारा कोटा से करीब 12,000 युवा युवतियों को वापस उनके घर भेजने पर हुए खर्च के रूप में यूपी सरकार से 36.36 लाख रुपए और देने की जो मांग की है, वो उसकी कंगाली व अमानवीयता को प्रदर्शित करता है। दो पड़ोसी राज्यों के बीच ऐसी घिनौनी राजनीति अति दुखद। मायावती यही नहीं रुकी, मायावती ने एक दूसरा ट्वीट भी किया। मायावती ने इस ट्वीट में लिखा, कांग्रेसी राजस्थान सरकार एक तरफ कोटा से यूपी के छात्रों को अपनी कुछ बसों से वापस भेजने के लिए मनमाना किराया वसूल रही है, तो दूसरी तरफ अब प्रवासी मजदूरों को यूपी में उनके घर भेजने के लिए बसों की बात करके जो राजनीतिक खेल खेल रही है, ये कितना उचित और कितना मानवीय है। इससे पहले भी मायावती ने ट्वीट कर कांग्रेस को कहा था कि यदि ऐसा नहीं है तो बीएसपी का कहना है कि कांग्रेस को श्रमिक प्रवासियों को बसों से ही घर भेजने में मदद करने पर अड़ने की बजाय इनका टिकट लेकर ट्रेनों से ही इन्हें इनके घर भेजने में इनकी मदद करनी चाहिए, तो ये ज्यादा उचित व सही होगा। अशोक गहलोत के किराए मांगे जाने से अभी बस वाली सियासत लंबी चलनी है, लेकिन जिसे चलना चाहिए था मजदूरों के लिए, वो बस तो कब की वापस चली गई। खैर, अब सियासी बातों का लुत्फ उठाइए, मजदूरों का क्या है, पैदल ही अपनी मंजिल पा ही लेंगे।